नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस से। और आप सभी को बता दें कि किस तरीके का एक मामला यमुनानगर में सामने आता है कि छछरौली के पास कोई गांव के समीप मोड़ पर खेतों में जो है बताया जा रहा है कि एक लावारिस अवस्था में जो है एक व्यक्ति का जो है शव मिलता है, नौजवान युवक का शव मिलता है। बता दें कि आँख से, मुँह से, कान से जो है खून निकलने की जो है बताया जा रहा है कि उसके आँख, कान में से, मुँह में से जो है खून निकल रहा था, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचित किया जाता है और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है एक ट्रक को ठीक करने का कार्य करता था, गैरेज का कार्य करता था। आप सभी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें, बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है घर वालों का, क्या पूरी जानकारी सर। एक्चुअली सुबह 6 बजे मेरे पास कॉल आई थी मेरे साले की बड़े भाई, ठीक है जी, तो उन्होंने मेरे को कहा जी ऐसे ऐसे करके छोटे भाई का कत्ल हो गया। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ पे घंटे बाद पहुँचा जी, तो मैं वहाँ पे गया जी अपने बच्चों को लेके बाइक पे, और उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा जी तो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी जी, तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई थी जी। तो वहाँ पे मौके पे पहुँचा जी, तो वहाँ पे थाना बच्चों छतरौली से वहाँ पे यहीं भी थे जी, तो वहाँ मौके पे जाके देखा जी, तो वहाँ पे डेड बॉडी बिल्कुल बुरी हालत में थी सर। तो किसी ने इरादा कत्ल के साथ जो है ना उनका मतलब कि बहुत बुरी हालत से जो है ना खून कर दिया जी। कहाँ की घटना है ये? है जी छतरौली से थोड़ा शेर पर मोड़ है जी, उसके पास है नाहरपुर का अड्डा जी, बस नाहरपुर अड्डे के पास ही है जी। क्या काम करता था ये सर? ट्रक मिस्त्री था जी ये, यहाँ पे छतरौली में काम करता था जी, और यहीं से ही ना काम पे जा रहा था जी, मतलब कि तो शाम के टाइम जो है ना 7-8 बजे की बात है ये अपने घर जा रहा था, तो ये घर जाते हुए एक हादसा हुआ जी उसके साथ। नहीं ये तो कुछ नहीं कह सकते सर, वैसे ऐसा था नहीं सर, कोई पुरानी रंजिश। तो किस पे शक है आप हत्या की? नहीं शक तो है नहीं सर किसी पे, ये तो अब देखो तफ्तीश के बाद पता लगेगा। अभी ऐसा जो थाना सच मतलब कि यहाँ पे तफ्तीश कर रहे हैं सर, क्योंकि ये पुलिस केस हो चुका है। उम्र क्या थी? उम्र तो 24-25 के लगभग थी। क्या नाम है? सुरेश। नाम उसका दिलबाग है। तब मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे सारे पुलिसकर्मी और गाँव के अन्य आदमी सब थे जी, तो वहाँ पे मौके पे मैंने देखा तो वहाँ पे बुरा हालत में पड़े थे जी। आपको सुबह 6 बजे पता चला? 6 बजे जी, सुबह 6 बजे। हाँ जी, तो किन्होंने मारा है? ये बड़े साले ने फोन किया। आपको किसने मारा है उसको? अभी ऐसे कुछ नहीं, कोई रंजिश वगैरह अभी कुछ भी मामला सामने? बॉडी मिली है, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में? सुबह आज सुबह 6:30 बजे फोन आया था डायल 112 से, भाई एक नौजवान व्यक्ति की जो लाश है ताहरपुर नाहरपुर मोड़ के पास मिली है, जिसके मुँह और नाक से खून निकला हुआ था। अभी तक तफ्तीश जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी डॉक्टर साहब उसके बारे में काज ऑफ डेथ देंगे, उसके बारे में आगे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ जी, परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हत्या तो है, उसके मुँह से, नाक से और कान से खून निकला हुआ है, तफ्तीश जारी है। कोई रंजिश परिवार में नहीं? अभी तक तो कोई रंजिश वगैरह कोई सामने नहीं आई है। तो कितनी उम्र थी सर इस नौजवान? इसकी 24 साल उम्र है। तो क्या लग रहा है, कोई लूट के इरादे से इसके मर्डर किया गया या वैसे कुछ? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से आगे देखते हैं। उन पर मोटरसाइकिल खड़ा है, वहीं पर इसका रुमाल भी पड़ा है, मोबाइल भी, 130 रुपये वहीं पड़े थे, बाकी देखते हैं जैसे भी हुआ। तो किस चीज़ के साथ उसका कत्ल किया गया सर? अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ किसी से।